बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम दो सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नंबर वन, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स मोहम्मद अली सरपारा और उनके दोनों साथियों को तलाश करने में अब तक क्यों नाकाम रहे। नंबर टू, 3 दिन गुजर जाने के बावजूद क्या अब भी पाकिस्तानी कोफमा मोहम्मद अली सरपारा जिंदा वापस लौट पाएंगे। नाजरीन, पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स मोहम्मद अली सरपारा और उसके दोनों गैर मुल्की साथियों को ढूंढने में इसलिए नाकाम रहे हैं क्योंकि पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ज्यादा से ज्यादा 7,400 मीटर की बुलंदी तक परवाज कर सकते हैं। इससे ज्यादा बुलंदी पर परवाज करना उनके लिए नामुमकिन है। जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद अली सरपारा के बेटे साजिद सरपारा का बयान है कि मैंने बॉटल नेक से आगे अपने वालिद को जाते हुए देखा था। याद रहे, बॉटल नेक केटू पहाड़ का वो मुकाम है जहां से डेथ जोन यानी मौत की वादी शुरू हो जाती है और ये 8,211 मीटर की बुलंदी पर वाकई है। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद अली सरपारा अपने साथियों समेत 8,000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर है, जबकि आर्मी के हेलीकॉप्टर्स इन्हें 7,000 की बुलंदी से सर्च करने में मसरूफ है। जाहिर है, ऐसी सूरत में सिवाय दूरबीन के और कोई जरिया उनको तलाश करने का नहीं है। मजीद ये कि तेज हवाओं और बादलों की बदौलत दूरबीन से देखना भी आसान नहीं है। यही वजह है कि आर्मी हेलीकॉप्टर्स तीनों कोपमाओं को अब तक तलाश करने में नाकाम रहे। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि मोहम्मद अली सरपारा की जिंदा वापसी के कितने फीसद इम्कानात हैं? तो इसका सादा सा जवाब है कि 3 दिन से ज्यादा का वक़्त गुजर जाए तो इतने सर्द मौसम में 8,000 मीटर से जायद बुलंदी पर जिंदा बचने के इम्कानात ना होने के बराबर है। लेकिन एक सूरत में अभी भी वापसी मुमकिन है, वो ये कि हो सकता है कि अब भी कोई मौजज़ा रूनमा हो जाए। मौजज़े भी इसी दुनिया में रूनमा होते हैं। इससे पहले भी केटू के डेथ जोन में एक मौजज़ा रूनमा हुआ था, जब नेपाल का एक कोफमा पेम्बा गेलजी शर्पा ने सन 2008 में 90 घंटे गुजारे थे और वो फिर भी जिंदा वापस लौट आया था। अगर से मोहम्मद अली सरपारा की वापसी के इम्कानात सिफर है, लेकिन जिंदगी उम्मीद पर कायम है और मौजज़े भी इसी दुनिया में ही रूनमा होते हैं।